दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ पेश हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वाइट कलर के मोर और ग्रीन जावा भी दिखाऊंगा। व्यूअर्स, आप हमारी वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल पेट्स डिस्कवरी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। व्यूअर्स, ये वाइट कलर के मोर बहुत ही खूबसूरत है। हमेशा वाइट कलर की जो भी चीज़ होती है खूबसूरत ही लगती है, दिल को अच्छी लगती है, मगर ये मोर तो अल्लाह पाक ने इनको खूबसूरती दी है। जिस कलर में भी हो, ग्रीन जावा तो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं हर किसी ये, मगर वाइट भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। जब ये अपने पर फैलाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये वाइट जो सामने खड़ा है, ये कोशिश तो कर रहा है कि पर फैलाऊँ, मगर लगता नहीं है। ये अभी अपने परों को साफ कर रहा है, थोड़ा थोड़ा फैला कर, मगर मुश्किल लगता है मुझे कि ये पर फैलाए और हमें कुछ नज़र आए इससे। मगर बहरहाल ये इसकी जो मादा है वो धूप की साइड पे आई हुई है ताकि धूप लगवाएं। मेरे ख्याल में इनको धूप मज़ा दे रही है। अभी मैं आपको ग्रीन जावा दिखाऊंगा, उसमें जो है ना वो और भी उसमें बहुत सारे परिंदे हैं। कूंज हो गई और दकनी तीतर हो गया, गोरा तीतर। मोर ने यहाँ पर ग्रीन जावा ने अपने पर फैलाए हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इसकी खूबसूरती है इसी में। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें सामने, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है ये मोर। ये इसने अपने पर फैलाए हुए हैं, ये इनका ब्रीडिंग का मौसम है। ये अपनी मादा को अपनी तरफ बुला रहा है पर फैला कर, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे परिंदे पैदा किए हैं जो अपने पर फैलाते हैं, अपनी खूबसूरती दिखाकर मादा को अपनी तरफ बुलाते हैं। मोर भी उनमें से एक है, ये भी अपने पैर फैलाकर अपनी मादा को अपनी तरफ बुला रहा है, मगर इंसान की नज़र में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब ये अपने पैर फैलाता है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे परिंदे हैं, मगर मोर एक निराला लगता है क्योंकि इसमें खूबसूरती बहुत ज़्यादा है इसके परों के अंदर। ये डांस भी कर रहा है साथ के साथ ताकि मादा इसकी तरफ आए। और भी बहुत सारे परिंदे हैं, ये आवाज़ें भी आप सुन रहे होंगे उन परिंदों की। तो बाकी परिंदे भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, कबूतर हैं, डक्स हैं, पूंजे हैं, गोरे तीतर हैं। तो दो पेयर उन्होंने ये पिंजरे में बंद कर रखे हैं, शायद इनका खुला रास्ता होगा, ये बाद में उस साइड पे चले जाएंगे, अगर फ़िलहाल उन्होंने इस जोड़े को बंद कर रखा है। मेरे ख्याल में ये ब्रीडिंग के लिए बंद कर रखा है ताकि ये इसकी ब्रीडिंग करवा सकें। ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखें नार सामने खड़ा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मादा नीचे बैठी हुई है, मादा भी ठीक है मगर नर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। आप और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारी वीडियो को हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।